स्कूल का मास्टर हूँ, प्राइमरी स्कूल का, क्यों मैं बाबा ब्लैक शिप? बाबा ब्लैक शिप देख के किसी की याद नहीं आई? नहीं तुहानू याद करो माड़ा जा, अपने इधर इंडिया दे विच कौन इदां दी एक्टिंग करदा है? वो बहुत बुरी बात है यानी के, और खास तौर पे बिजली वगैरह वगैरह की जो फजूल खर्ची है वो तो बहुत बुरी जाने के बात है। जैसा कि साढ़े नौ सारे जी प्यार भरी सत श्री अकाल, उम्मीद करते हैं सारे जने बहुत ज्यादा कैंट होवोगे। अज दी जिहड़ी वीडियो है वो हैगी 50-50 शो, एक पाकिस्तान का बड़ा पुराना पीटीवी का ड्रामा, वो अज आपां तुहाडे नाल देखणा। पर उस तो पहला तुहानू सारयां नू हथ जोड़ के अपील है कि चैनल सबसक्राइब कर लो, साडा वीडियो देख के तुसीं तुरदे बणदे आ, चैनल तुसीं सबसक्राइब कर देणी है। सीधी जी गल है ना कि चैनल सबसक्राइब करो तो असं होर घेंट तो घेंट वीडियो तुहाडे लई लैके आईए, तो 1 मिलियन आपां जल्दी तो जल्दी पूरे करिए, बस इन्नी की गुजारिश। चलो वीडियो करते हैं शुरू। पता है कि नहीं? नहीं पता। रो रहा क्या सर? हेलो कौन कौन है भाई? कौन है सच? अस्सलाम वालेकुम सर। हमेशा ऐसे ही कर देते हैं। बाकी दे सर। सर जी, सर जी कोशिश जारी। सर सर क्या करे, 3 रोज हो गए हैं सर, वो इकरार नहीं करता अपने जुर्म का। जी क्या कहा सर? पंखे से लटका दे उतरी। सर ये भी करके देख लिया सर। जी 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 सारे आदमी लगा दूंगा सर। अच्छा ओके, तो करके देख लिया है, ऑलरेडी करके देख लिया। ये जो ड्रामा है ना पीटीवी का 50-50, ये बहुत हिट रहा है, इहदियां क्लिप्स बहुत हिट रही हैं। आपां इहदी एक क्लिप जिहड़ी है वह ऑलरेडी आपां रिएक्शन भी बनाया हुआ है। ठीक है, सो मजा आऊगा, देखते हैं। रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है। यस सर। सर वो क्या हुआ? सर सर जी हमने उसको बहुत मारा है, सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। 3 रोज हो गया और मुस्लिम अपने जुर्म का इकरार ही नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या किया तुम लोगों ने? सर जी हम सारी कोशिशें अपनी जारी, अपनी कोशिशें जारी है। तुम्हारे से आदमियों ने पुलिस की महकमे को बदनाम किया। पुरानी फिल्म कह थी ना, कोई म्यूजिक नहीं फाल रही, कोई वो नहीं। चले आते पुलिस में नौकरी करने। बताइए सर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सर आप मेरी एक बात मान लें। क्या मान लें सर? 3 दिन से ये तमाशा हो रहा है, मेरी तजवीज मान लें सर। हाँ क्या है? बताने की नहीं सर, मैं 10 मिनट की इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा सर। अच्छा जाओ जाओ। शुक्रिया सर। ये गुंडा लगता रहा नहीं है ना शक्ल तो। मुबारक हो सर, मुबारक हो। क्या मान गया? सर मानता कैसे नहीं, मैंने अर्ज किया था ना कि जो काम यहाँ 3 दिन में नहीं हुआ वो 10 मिनट में कर देंगे। भाई कमाल है। अरे वो वाकई कमाल है सर। अच्छा जी, ये कौन साहब है? उनका नाम तो कमाल नहीं मगर कमाल कर देते हैं सर। अच्छा तो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। जी सर मैं अभी बुलाता हूँ। आइए सर आइए आइए। चोरी मैंने की है। वही मैंने तमाम इकरार जुर्म कर लिया। ये बोल कर लिया मैंने इकरार जुर्म। मैंने तमाम इकरार जुर्म कर लिया, मुझे मत मारो। अरे साहब आपने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। की की हम तो 3 रोज से कोशिश कर रहे थे, मान के नहीं दे रहा था। अरे जनाब मान के कैसे नहीं देगा ये? मैंने तो बड़े बड़े सीधे कर दिए, आज भी आगे चल के मेरा नाम कर रहे हैं वो। अच्छा यहाँ आप करते क्या हैं? मैं भी प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ, प्राइमरी स्कूल का, क्यों मैं बाबा ब्लैक शिप? बाबा ब्लैक शिप ये तो पता तो लगा नहीं इन्होंने किदा मनाया। हाँ जी है ना। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਰੇ ਹੂਆ ਕਾ ਚੀਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਰੇ ਹੂਆ ਚਾਹੀਆ ਹੂਆ ਚਾਹੀਆ ਹੀਆ ਤਾਂ ਹੂਆ ਜਾ ਹਮਾਰੀ ਗਾਲ ਗਿਰਾਓਗੇ ਦਾਦਾ, ਤੁਮ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਕੌਣ ਜਾ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਤੁਮੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। समर करो ये। देखो भाई ये तो है फजूल सा कागज है ना, और ये है सिक्का, इससे टॉफी भी आएगी, बबली गम भी आएगी, चिंग गम भी आएगी, इसको इस तरह तुम खाओ और इससे तो मिठाई भी आएगी। अब बताओ ये सिक्का लोगी या ये फजूल कागज लोगी है? दादा जान ये सिक्का तो सब चीजें आ जाएंगे। हाँ? तो ये मुझे दे दो बस।
कैसा कैसा चक्कर। ओ दादा जान बात सुनिए भाई, ये सिक्का जो है मेरे पास रहेगा, मैं तो छोटे से बच्चे खो जाएगा। मेरे दिमाग जी हुने हुने गल आ गई है कि तुहानू इहनू वेख के किसी की याद नहीं आई? नहीं। तुहानू याद करो माड़ा जिहा अपने इधर इंडिया दे विच कौन इदां दी एक्टिंग करदा है? मतलब इदां दी भारती करदी है। हां मतलब असीं पछाण लैंदे हां कि हुण साडे कॉमेडियंस ने जिहड़े करैक्टर कित्थों कित्थों चक्के आ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਲਗੁਲੀ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਸੇਮ ਸਟਾਈਲ ਉਦਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਅਰੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ। ਅਰੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸੱਟਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਦੇਖੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਈ ਦਾ तीर पे तीर जाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए भाई साहब, बच के ना कोई जाए, कोई ना जाए भाई साहब। क्या बदतमीजी है ये? अकेली लड़की को देखो सीटियां बजाते हो तुम। अरे भाई साहब मुझे सीटी भी नहीं, कहां आती बजाना भाई साहब, ये देखिए। मैं अभी बताती तुम्हें सीटी बजाना आती है नहीं। सुने क्या बात है बहन जी, मैं यहाँ से अकेले गुजर रही थी, मुझे अकेले गुजरते देखे ये सीटियां बजाने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती अकेली लड़की को देखकर सीटियां बजाते हो? अरे भाई साहब मुझे सीटी वीटी कहाँ आती बजाना भाई साहब, ये देखिए पहलवान जी, ये झूठ बोल रहा है। अभी बताता हूँ मैं। अरे भाई मारो 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 सीटी की आवाज कहीं और से आ रही भाई, आवाज तो आ रही है। ये सीटियां मैं नहीं बजा रहा हूँ भाई साहब, वो बजा रहे हैं नल के भाई साहब। स्टेज ड्रामा है, प्रॉपर फिल्म है। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? पुलिस वाले आप कर रहे हैं? तीन लड़के वो भी एक ही ड्रेस में है, थ्री ब्रदर्स। किधर से गाना गा के आ रहे हो सुरीलो? क्या पक रहे हो? इतनी रात को कहां से आ रहे हो तुम लोग? क्या कह रहे हैं ये? पता नहीं जनाब। और मेरा मतलब ये है कि तुम तीन आदमी मोटरसाइकिल पर बैठे हो, तुम लोगों का चलान होगा, बस कागजात दिखाओ। तुम देख नहीं रहे हो तुम्हारा अफसर हो? अफसर हो या दफ्तर हो कुछ भी हो, कानून होता है, चलान होगा। चलो नाम लिखाओ, नाम क्या तुम्हारा? हां खराब हो गया तुम्हारा यार, ये तो कोई बहुत ही बदतमीज आदमी है। और देखो भाई बात को आगे ना बढ़ाओ, बात चल निकली अब देखे कहाँ तक पहुँचती। उड़ी 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 बरकतुल्लाह, हमें पहुँचना जरूरी, तफ्तीश का काम है। बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं यहाँ से तो जान छुड़ाएं। भाई सुनो मियाँ, क्या बात है, हाथ लाना जरा इस तरफ। क्या बात, मुझे रिश्वत दे रहे हो? उड़ी उड़ी रिश्वत दे रहे हो मुझको? नहीं नहीं रख लो रख लो, चाय पानी ठहर जाओ, कोई असर ना देखे ठहर जाओ। खबरदार जो है पुलिस वाला, पुलिस को रिश्वत दे रहे हैं। हुजूर आपको जरा जहमत होगी, आपको हमारे साथ थाने तक जाना होगा। इस बात के लिए भाई? वो इस बात के लिए जनाब कि मैंने अभी अभी आपको 50 रुपए रिश्वत लेते हुए देखा है। बरकतुल्ला जरा उठाओ केस और टैंकी पे डालो। ये क्या बात है, ये मेरी बात सुनो, ये गलत बात है ना, उन्हें भी तो होनी चाहिए, उन्हें भी होती है रिश्वत। तो प्यारे दोस्तों और जाने के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों से जिस मौजू वगैरह वगैरह पर यानी के गुफ्तगु और यानी के बातचीत वगैरह वगैरह यानी के करना चाह रहा हूँ, वो आप लोग जानते हैं कि वो है फजूल खर्ची। तो प्यारे दोस्तों फजूल खर्ची वगैरह वगैरह किसी भी चीज की हो जाने के वो बहुत बुरी बात है, यानी के और खास तौर पे बिजली वगैरह वगैरह की जो फजूल खर्ची है वो तो बहुत बुरी यानी के बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क में वैसे ही बिजली वगैरह वगैरह की यानी के किल्लत है, आप लोग सुनते रहते हैं, आप लोगों को तो रेडियो वगैरह पे भी बताया जाता है और आपको तो टीवी वगैरह वगैरह पे भी बताया जाता है कि लोड शेडिंग वगैरह वगैरह जो है यानी के हो रही है, मगर लोग हैं कि मानते ही नहीं है। अभी इस वक्त भी हम लोगों में कुछ लोग ऐसे वगैरह वगैरह जाने के बैठे हुए हैं जो एक मामूली सी खुशी हो, एक अकीका है, अगर अकीका भी है तो अकीके के मौके पर भी जाने के खुशी का इजहार करते हैं, बल्बों की झालरें वगैरह वगैरह जाने के लटका देते हैं, बहुत सारा चिरागा वगैरह वगैरह जाने के कर देते हैं और बिजली की फजूल खर्ची के मूर्ता के वगैरह वगैरह जाने के होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है।
आइए आज हम और आप वगैरह वगैरह सब मिलकर ऐद करते हैं कि हम आज के बाद बिजली की बिल्कुल अपना फजूल खर्ची वगैरह वगैरह जो है यानी कि नहीं करेंगे। और अगर हमको अगर दो बल्ब जलाने की जरूरत है तो हम दो बल्ब नहीं जलाएंगे बल्कि दो बल्ब की जगह पर सिर्फ एक बल्ब वगैरह 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 जो है यानी कि जलाएंगे जलाएंगे। खामोशी छा गई आप लोगों में, सांप वगैरह वगैरह सूं गए आप लोग। हमारे खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके में वापडा का एक बहुत बड़ा ऑफिसर आ गया है। जब ये आ ही गया तो हम अपनी मुश्किलात भी तो पेश करें। भाई ऑफिसर बेटे, ऐसा है कि हमारा जो मीटर है वो तो तौबा तौबा, इतना बड़ा बड़ा बिल उसका आता है। या तो आप ऐसा करें कि बिल कम करवा दे या फिर मीटर बदलवा दे। ये दरखास्त ले दरखास्त ऑफिसर ऑफिसर देने वगैरह वगैरह लग गई। ये वापडा का अफसर नहीं है वल्ला, ये बशीर भाई मिठाई वाले, इन लोगों ने इनकी दुकान से नाजायज कनेक्शन लिया हुआ है बिजली का वल्ला। तो नाजायज कनेक्शन वगैरह वगैरह की बात हो तो मैं हाजिर हूँ। अरे सो गाइस ऐसे किया देख वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, सेकंड पार्ट है जरूर लेके आवेंगे, पर जे तुसी कहोगे सानू तां ठीक है। वीडियो बहुत मजेदार सी, इन्हां दी जिहड़ी कॉमेडी टाइमिंग आ वो मैनू बहुत घैंट लगी है। हुण पता लगा कि पुराने जिहड़े ड्रामे सी, पुराने इदां दी कॉमेडी स्किट्स सीगियां, उहनां नू लोकी कॉपी हुण तक करदे आ। जिदां आपां भारती दा देखिया, कपिल शर्मा दा शो हो गया उहदे विच, जां होर काफ़ी सारे शो आ, जां रियलिटी शोज़ आ, जां जिहड़े ओह कंपीटीशन वाले शोज़ दे हुंदे आ, उन्होंने जो कंटेस्टेंट्स होंगे वह भी मतलब कि कॉपी करते हैं, जोक्स भी कॉपी करते हैं, तो उन्हों का वे ऑफ टॉकिंग करैक्टर्स भी पूरे के पूरे कॉपी कर लेंगे है, तो वह सब चीज़ें। तो पर मैं मज़ा आया है अच्छ ओरिजिनल देख के, ड्रामा है बहुत ज़्यादा पुराना है ये। मतलब आप जिम्मे ना बाकी क्लीयर नहीं सुनते, सुन गया वधिया, मतलब मज़ा आया। कोई इदा दगियां सी चीज़ा मेरी ज़्यादा, पुलिस वाले भी हास आया, एक होर भी सी मतलब सारे फनी लगे, समझ आ रही थी सब। ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਲਡ ਪੀਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।